हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे पहली बार देख रहे हो या तेलंगाना के स्टूडेंट्स रहो या आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स, सिलेबस एज इट इज़ है। एसए टू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस है वो आप टिक कर लीजिए। और आप सभी से निवेदन है कि अगर इसके अंदर कुछ रिड्यूसिंग सिलेबस है तो उसको छोड़ दीजिए, रिमेनिंग आप याद कर सकते हैं। और एग्जाम्स के एक दिन पहले कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराऊंगा। तब तक के लिए आप पूरी रीडर से वेरी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस कौन से हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपका सिलेबस है, टोटल आपके चैप्टर्स रहेंगे 15 चैप्टर्स। अब देखिए इसके अंदर से हम टिक करेंगे। पहला चैप्टर ले लीजिए रियल नंबर। रियल नंबर में आप देख सकते हैं रियल नंबर एक्सरसाइज ये 1.1। ये 1.1 में एक्सरसाइज में आप देखिए, मैं क्वेश्चंस कहूँगा वो टिक कर लीजिए। ये बिट आपको अच्छी तरह याद करना है, थर्ड बिट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सारे बिट्स आपको याद करना है। उसके बाद आते हैं बैक साइड उसी एक्सरसाइज में, यहाँ पर याद कीजिए फोर्थ क्वेश्चन, और उसी तरह यहाँ पर 8 क्वेश्चन के सभी बिट्स आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से एक 12th क्वेश्चन लेना है आपको। एक्सरसाइज 1.2 में ये सेकंड क्वेश्चन आपको याद करना है, और उसी तरह यहाँ पर 6 क्वेश्चन ये भी याद कर लीजिए, 5th क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। इस वाले क्वेश्चन से देखिए, ये एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ से आप ये और ये दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। और उसी तरह यहाँ पर अगर आ जाएंगे आप एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड में फर्स्ट या सेकेंड बिट, और उसी तरह एक थर्ड क्वेश्चन है, और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 8 क्वेश्चन। सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.1 में सेकेंड बिट, 5th बिट, और उसी तरह 14th बिट, और यहाँ से एग्जाम्पल 3 अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस करके जाना है, पहले से मैंने टिक कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आप निकालेंगे तो इस वाले एक्सरसाइज में 2.2 में फर्स्ट बिट है आपका, और उसी तरह 6th बिट है, और यहाँ से आप ले लेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रैक्टिस करना है, और ये एक 5th वन भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5th, और उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12th। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर देखेंगे तो 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, उसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल 13th। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास 7th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक अच्छी तरह प्रैक्टिस आकर के आपको जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5, इसके अंदर 6th बिट है, 10th बिट है और 11th बिट है, और इस तरफ से आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ से 9th, क्वेश्चन नंबर 10th आपको प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 3.1, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बेस्ट का 1, और उसी तरह यहाँ पर मैथ्स रोम्बस, उसी तरह एक रेक्टेंगल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे डी वाला बिट आप पढ़ सकते हैं, और एक्सरसाइज 3.3 में ए वाला बिट आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन। और उसी तरह यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 में सी वाला एक बिट आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज 3.5 में एक क्वाड्रिलेटरल आपको प्रैक्टिस करना है। 3.6 में आपको करना है स्क्वायर, JUM का स्क्वायर का कर सकते हैं, ए सोप का कर सकते हैं, या कार्ड का, एज इट इज़ क्वेश्चन एक आप कर ले सकते हैं इसके अंदर। अब आ जाएंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के अंदर, ये भी एक इजी चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में ये इस तरह के एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपको 2 मार्क्स में पूछेगा, यहाँ से सेकंड बिट और फर्स्ट बिट दोनों आपको प्रैक्टिस करना है, और यहाँ से सिंप्लीफाई ये दोनों को करना है, उसी तरह यहाँ से आपको सेकंड बिट लेना है। अगर बैक साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे, 8 मार्क्स में आपको पूछता है पूछेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है, और 7th वाला उसी तरह 9th में ये दोनों बिट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे हम, कंपेयरिंग
क्वांटिटीज यूजिंग प्रोफेशनल, इसके अंदर देखिए 5.1 में ये दोनों क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, 2 और 3। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 यहां से आपको प्रैक्टिस करना है मिसिसिपी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम, यहां पर देखिए 15.2 में एक याद कीजिए, ये दो क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़ के जाइए। यहां से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ये 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, इस वाले चैप्टर में देखिए आपको पढ़ना है ये परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको एक कोई भी एक प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर से मत छोड़ दीजिए ये एक्सरसाइज, अगर आप छोड़ भी देंगे तो यहां से आपको मिलेंगे। 6.2 में सेकंड बिट और थर्ड बिट मिलेगा, और यहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप ले लेंगे तो यहां पर इस वाले एक्सरसाइज में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, 4 और 3, ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम, एक्सरसाइज 6.4, इसके अंदर से आपको देखना है 5th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर का एक ग्राफ एक क्वेश्चन आपको पूछेगा लॉन्ग आंसर्स में, तो इसलिए आपको ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। यहां से आप देखिए ये मीन 13 और 14 आपको पढ़ लेना है इसके अंदर से। 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है, 4th क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और उसी तरह इस तरफ से कोई एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक आपको हिस्टोग्राम या पॉलीगन पूछेगा, यहां से आपको फर्स्ट और सेकंड आपको प्रैक्टिस अच्छे करके जाना है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोरिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इन फिगर्स में से आपको एक कॉन्ग्रेंसी शेप्स, एक कॉन्ग्रेंसी ये आपको पढ़ना है, और इसके अंदर से आपको जो पढ़ना है 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, और उसी तरह यहां से क्वेश्चन नंबर 7, यहां से 8 वाला फर्स्ट 8.2 में फर्स्ट वाला बिट आपको सारा बिट्स पढ़कर जाने हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ प्लांट, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में हम देखते हैं, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंपलसरी याद करके जाना है। अगर रेडियोज है कोई बात नहीं, अगर रेडियोज नहीं है तो आपको किसी तरह ये दो एग्जाम्पल्स है और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। लॉन्ग आंसर्स में कम कैसे भी आपको पूछेगा, यहाँ से अगर आप ले लेंगे तो सबसे पहले 9.1 में देखिए, 9.1 में ये दो बिट्स है और क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ से ये दोनों बिट्स आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छी तरह, ये कंपलसरी आएगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक आपको पूछेगा, और यहाँ से एक आपको ट्रिपीजियम का आपको चेक करके जाना है। और उसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे आप, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना है, एक क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको, इतने आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस चैप्टर के लिए काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट 10th डायरेक्ट टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में देखेंगे, इसके अंदर देखिए यहाँ से आप टिक करना है, मेरे को टिक करूँगा, एक थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक, और उसी तरह 7th एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर 9th क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सरसाइज 10.1 में। और 10.2 में ये तीन क्वेश्चन है, कोई एक बेटा प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से सेकेंड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.3 में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7th ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, 6th भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये एक्सपेक्टिंग रिएक्टिव क्वेश्चंस है। उसी तरह एक्सरसाइज 10.4 में ये फर्स्ट एक क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और 4th एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी वेरी इजी चैप्टर, इसके अंदर से भी आपको पूछ सकते हैं, इस टाइप के ये 4, 5, 6, 7 में से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये तीनों इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। उसी तरह एक्सरसाइज 11.2 में यहाँ से आप ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8।
ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से 11.3 में से कोई एक बिट आप कर लीजिए, यहाँ से एक बिट कर सकते हैं, यहाँ से एक, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन से। और इस तरफ से आएंगे तो ये फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4, ये सारे एक जैसे है, कोई एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारे एक जैसे है, कोई एक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, एक बिट कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज इट इज है ये भी, और यहाँ से भी एक एक बिट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई एक बिट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके अंदर से देखिए, यहाँ से आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। यहाँ पर आपको कह सकता है ये एक बिट प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ से एक बिट प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम, ये 12.2, यहाँ से फोर्थ बिट हम लेते हैं, यहाँ से सेवन्थ बिट हम लेते हैं, और इस वाले सारे एक जैसे क्वेश्चन से एक यहाँ से हम लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे यहाँ से हम एक लेते हैं, इस तरह प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट इस वाले चैप्टर एक्सरसाइज 12.3 में से यहाँ पर एक बिट ले लीजिए, एज इट इज़ क्वेश्चन है, यहाँ से एक बिट आप ले सकते हैं और यहाँ से एक बिट आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप की प्रैक्टिस आपको करना होगा। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन इन 3D, इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि इस टाइप के एक क्वेश्चन को आपको देखना होगा, इसको हम ले लेंगे इंपॉर्टेंट एक। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर देखेंगे तो इस वाले एक्सरसाइज में ये फर्स्ट बिट आपको प्रैक्टिस करना है और उसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया एंड क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, और नेक्स्ट अगर आ जाएंगे आप तो इस वाले एक्सरसाइज में एक बिट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एक बिट आपको। अब यहाँ से आप ले लेंगे तो एक क्यूबॉइड 6 वाला ले लीजिए और यहाँ पर एक 8 वाला आप ले सकते हैं। अब प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर 15, तो ये तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। प्लेइंग विथ नंबर्स में ये डिवाइड क्या है, कोई एक बिट आप करना है इसके अंदर से, और यहाँ से आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्वेश्चन नंबर 3 आप ले सकते हैं, और यहाँ से आप ले सकते हैं 7th। नेक्स्ट 15.3 में यहाँ से ये डिवाइड है, इसके अंदर से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं, कोई भी देगा तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको करना है एक 7th क्वेश्चन, इस तरह आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मिलेंगे फर्स्ट सेकंड और उसी तरह 5th क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और तो उसके बाद लास्ट में इस वाले बिट में कोई एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं डी को आप दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, और इस वाले में किसी एक को दे सकते हैं, मैं 3 को दे रहा हूँ, इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ये था आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, अच्छा प्रैक्टिस कीजिए ये सारे चैप्टर्स अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। 80 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंदर से 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव मिलेगा या ऑब्जेक्टिव मिलेगा, टोटल आपको 80 लाना है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस मुझको मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एग्जाम से एक दिन पहले मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए यही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।